डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि लाइट है उसका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल मीन्स वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हम कह सकते हैं कि फोटोन की वेवलेंथ है और फोटोन का मोमेंटम है। मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का। वेवलेंथ किसकी है? वेव की। तो जिस तरह से फोटोन के लिए वेवलेंथ है और मोमेंटम है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए भी वेवलेंथ और मोमेंटम होना चाहिए। ये कंसेप्ट दिया डी ब्रोगली ने। ये फिजिक्स साइंटिस्ट थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इनके नेम को प्रोनाउंस करते हैं डिब्रोए। डिब्रोगली स्पेलिंग के अकॉर्डिंग है, वैसे बोलते हैं डिब्रोए, तो हम इसमें डिब्रोए भी कह सकते हैं या एज पर स्पेलिंग डिब्रोगली भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है, मींस उसकी वेवलेंथ होती है, मींस वो वेव की तरह ट्रेवल करता है। वेव हमें पता है एज से ट्रेवल करती है, और उस वेव की वेवलेंथ का उन्होंने फार्मूला दिया h डिवाइड बाई mv। ये डी ब्रोगली कंसेप्ट है और ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। क्या कंसेप्ट है? ए मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए वेव हैविंग वेवलेंथ h डिवाइड बाई mv। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल है और v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अब ये इक्वेशन कैसे आई? पहले हम इसका डेरिवेशन लेते हैं। डिराइव करने के लिए हमने दो थ्योरी को यूज किया है। पहले प्लैंक्स थ्योरी, ये हमने पढ़ा। प्लैंक्स थ्योरी में e इज इक्वल टू h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c डिवाइड बाई लैम्डा। और आइंस्टीन इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो एच सी बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एक सी यहां से कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? एच डिवाइड बाई एम सी। यहां सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और कोई भी पार्टिकल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता, तो किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। एमवी क्या होता है? मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो यहां से हम कह सकते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। वेवलेंथ है वो वेव नेचर के लिए है और मोमेंटम है वो पार्टिकल नेचर के लिए है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस। इस कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा कि अभी बताया हमने, ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल, जैसे बॉल है, पेन है, ये मटेरियल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेंगे, मतलब वेव की तरह ट्रेवल करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा हम ऑब्जर्व नहीं करते कि बॉल है वो इस तरह से आती है। तो हम बता रहे हैं कि ये कंसेप्ट कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब किसके लिए इसका सिग्निफिकेंस है, किसके लिए नहीं है। तो पहले हमने लिया, पहले बताया इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो छोटे पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जिनको हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, जैसे बॉल बताया, पेन बताया, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इन पे ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस कंसेप्ट हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बट नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये हम इन वैल्यूज की हेल्प से प्रूव ही कर सकते हैं। जैसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या निकाली? वेवलेंथ। इस फार्मूले को यूज करते हैं। ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m है
ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जनरली इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर हम लिखें 10^-9 को तो ये नैनोमीटर बन जाएगा, और आगे लिखें तो इसको हमने लिख दिया एंगस्ट्रॉम। ये जो वेवलेंथ है ये मेजरेबल है, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर हम बात करें किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, जैसे बॉल, तो बॉल के लिए हमने मास ले लिया 0.1 किलोग्राम, और ये इसकी वेलोसिटी ले ली 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो वैल्यू आई वो लगभग 10^-34 मीटर आई। ये इतनी कम वैल्यू है कि इसको मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा है उसके लिए वेवलेंथ इतनी कम आएगी कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, दिस कंसेप्ट हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपी में क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है, और मास ज्यादा होने से वेवलेंथ इतनी कम आती है, इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, हम डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज करके डिराइव करेंगे बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक हम पहले ही बता दें कि बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हमने बताई थी, उसमें एक ये थी कि ये डी ब्रोगली कंसेप्ट को या इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो समझे एक बार कि डी ब्रोगली इक्वेशन को ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पाया, उसकी ये कमी कैसे थी। हमने बोहर मॉडल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। उन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया था क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल दी थी। अब इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह चलेगा तो उसकी डिस्टेंस हम देख सकते हैं न्यूक्लियस से फिक्स नहीं रहेगी, कभी वो नजदीक है कभी दूर जाएगा। तो ये बोहर के अकॉर्डिंग गलत था, बोहर मॉडल फेल हो गया था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं माना। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया था कि सिर्फ पार्टिकल है, जबकि डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव भी है, उसकी हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए बोहर मॉडल फेल हो गया। अब हम बोहर मॉडल का एक पोस्टुलेट है वो डिराइव करें, ये पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम का, कैसे डिटरमाइन करें देखें। इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वो ऐसे ट्रेवल करेगा, वेव ऐसे ही चलती है। अब वेव का जो मूवमेंट है अराउंड न्यूक्लियस वो इन फेज या आउट फेज दोनों तरह से हो सकता है। इन फेज का मतलब है वो एक ही पाथ को ट्रेवल करे, एक ही पाथ को फॉलो करे, और अगर पाथ को चेंज कर ले तो वो आउट ऑफ फेज कहलाएगा। इन फेज मूवमेंट के लिए कंडीशन है, फॉर इन फेज मूवमेंट क्या कंडीशन है, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, इसका जो एवरेज निकला हमने जो ऑर्बिट है, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ऑर्बिट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। हमें पता है सर्कुम्फ्रेंस क्या होती है, 2πr, वो किसके इक्वल है, वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल, यहां पर n कोई भी इंटीजर है। इसको अब वैल्यू पुट कर दें हम लैम्डा को h डिवाइड बाय mv, और फिर रीअरेंज कर दिया, mv को यहां ले गए, 2π को यहां ले आए, ये mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइड बाई 2π, यही क्या है, बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट ले रहे हम रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², यहां से हम निकाल लेंगे v स्क्वेयर, तो ये क्या जाएगा,
टू इंटू काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने ई लिख दिया, एनर्जी को ई लिख दिया, डिवाइड बाई एम, और वी निकालोगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो हमने काइनेटिक एनर्जी से क्या निकाल ली, वेलोसिटी। और हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रो या डी ब्रोगली वेवलेंथ है एच डिवाइड बाई एम वी, यहां पर ये वैल्यू पुट कर दें एम, और वी की जगह पुट किया टू इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम। इस एम को रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये एम स्क्वेयर बन जाएगा और एक एम इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फार्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है किसी पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन की, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ। इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो ये हमने लेसन से कंप्लीट की। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे जो बेस्ड है अपॉन डी ब्रोगली इक्वेशन। पहला क्वेश्चन लिया हमने, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। हमें यहां पर गिवन क्या है, वेवलेंथ, ये है 3.6 एंगस्ट्रॉम में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10^-10 मीटर। जब भी एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दिस फैक्टर। अब यहां हमें यूज करनी है डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी। अब क्योंकि हम फोटोन को डिस्कस, फोटोन के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फोटोन का मास निकाल रहे हैं, फोटोन किस में है, लाइट में, तो यहां पर हम इसको सी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और निकालना क्या हमने, m, तो m किसके बराबर हो जाएगा, h डिवाइड बाई लैम्डा इंटू c। तो यहाँ c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेवलेंथ है 3.6 × 10^-10, ये मीटर में हमने कन्वर्ट करी क्योंकि यहाँ पर c है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीटर पर सेकंड में, और यहां भी इसमें जूल आया, तो जहां जूल आएगा वहां मीटर होना चाहिए। अब इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो यहां मास ऑफ फोटोन आ जाएगा 6.135 × 10^-29 किलोग्राम। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें मास गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन के लिए, और क्या निकालना है, वेवलेंथ। स्टार्ट करते हैं, वेवलेंथ निकालने का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया था। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, वैल्यू पुट कर देंगे, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी है 3 × 10^-25, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10^-31। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 8967 × 10^-10 मीटर। ये वैल्यू अपने पास मीटर में आएगी। अगर हम इसको चेंज कर दें एंगस्ट्रॉम में, तो हमें पता है 1 angstrom = 10^-10 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा 8967 angstrom। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। एक न्यूमेरिकल और ले रहे इसका, द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज, यहां भी हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और क्या निकालनी है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालने के लिए जैसे अभी बताया था हमने फार्मूला है, अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो 2 × काइनेटिक एनर्जी × मास, तो h कांस्टेंट हमें पता है, e यहाँ हमें गिवन है, हमें मास निकालना आना चाहिए। अब मास कैसे निकालें, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है,
जितना हीलियम का होता है 4u, और एक मोल अल्फा पार्टिकल का अगर हम मास लिखें तो कितना है 4 ग्राम एक मोल का। हमें निकालना है एक अल्फा पार्टिकल का, तो उसके लिए क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे बाई अवोगाड्रो नंबर। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल, डिटरमाइन करें पहले मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल कैसे आता है। एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए हम गिवन मास को डिवाइड करते हैं, सॉरी मोलर मास को डिवाइड करते हैं भाई अवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल का मास कितना है 4 ग्राम। अब देखो यहाँ जूल है, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मास हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 × 10⁻³ आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10³ ऊपर माइनस में आ जाएगी, तो ये किलोग्राम में मास आ गया। किसका आ गया, ये एक मोल का, हमें एक का निकालना है। तो एक पार्टिकल का मास निकालना हो तो उसके मोलर मास को डिवाइड कर देंगे भाई अवोगाड्रो नंबर। उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल है, वैल्यू पुट कर देंगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है हमें याद है, टू इंटू एनर्जी है 6.8 × 10⁻¹⁸ और इंटू में एम अपने पास आएगा 4 × 10⁻³ डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²। या तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर यहाँ पुट कर दें, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगेगा लेकिन ट्राई करें हो जाएगा। तो अब अपने पास जो इसका आंसर आएगा वो 2.31 × 10⁻¹⁶ मीटर। न्यूमेरिकल्स में मेन होता है मेथड, हम सोल्व कैसे करें, वैल्यू पुट कैसे करें, हमें क्या गिवन है ना, किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है, वो अगर हमें पता है तो ये मैथमेटिकल है, ये हम कर सकते हैं। तो आज लेक्चर हमने ये कंप्लीट किया, थैंक यू।